अब मेरी सीजीपी इतनी ऊपर नीचे हुई ना कि क्या ही कोई कबल करता होगा। स्ट्रगल, गलत ही सोचते हो तुम। अब फर्स्ट सेमेस्टर में हाई स्कोर 9.17 सीजीपी है। तुम बोलो यार अब तो बड़े तेज हो। नहीं भाई, ऑनलाइन था, ठीक है। अब सेकंड सेमेस्टर में हम लोग का ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है, अभी जैसे तुम्हारा ऑफलाइन चल रहा होगा। अब भैया ऑफलाइन आने के बाद हमारे लिए भगवान होते हैं हमारे सीनियर्स, और उनका सबसे पहले यही कहना था कि अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम्हें एक रात पहले ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम देनी चाहिए, और अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो भैया तुम इंजीनियर के नाम पे कलंक हो। तो यार हम भी फिर समझ गए यार, अब पढ़ना ही क्यों है जब सीनियर्स ही बता रहे हैं हमें कि ठीक है एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ाई करनी होती है और फिर बढ़िया अच्छा खासा नंबर आ जाता है। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करने के बाद हुआ कुछ यूँ कि 9.17 से मेरी जो SGPA थी वो 7.55 आ गई। थर्ड सेमेस्टर में और भी कम आई थी, CGPA 6.55। अब सेकेंड सेमेस्टर में जब आपकी कम CGPA आई गई थी तो फिर आपने शुरू से पढ़ाई क्यों नहीं करी? तो यार सच बताओ ना, तो थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी सेकेंड सेमेस्टर से सीख लेके, बट द प्रॉब्लम वॉज दिस कि हम लोग यूट्यूब से पढ़ते थे लेकिन बिना सोचे समझे कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें लगता था ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस है, हम यूट्यूब से कंप्लीट करके जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं ना वो स्कूल के टीचर की तरह ही होते हैं। मतलब स्कूल में जो पढ़ाया गया वही पूछा जाता है, कॉपी से आता है क्वेश्चन, काइंड ऑफ चीज़ें सेम टू सेम कॉलेज में भी चलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम कॉलेज के बना लोगे तो यार काफ़ी अच्छा माना जाता है, और हम लोग ये सब चीज़ों से बहुत दूर थे। हमारे यह था कि भाई यूट्यूब से पढ़ लिया है, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बढ़िया जाके पढ़ेंगे, फिर जब गए तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चला कुछ तो पढ़ा हुआ है ही नहीं। तो ये भी मिस्टेक्स थी। एक्चुअली इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं जानोगे कि कौन से यूट्यूबर्स हैं जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, इनफैक्ट तुम ये भी जानोगे कि तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो, तुमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हारा एक अच्छा स्कोर भी बना रहे। तो यार दो बोनस टिप तो तुम्हें लास्ट में मिल रही होगी, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए हो, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स जहाँ से हमने पढ़ाई करी। अब यार आप कहीं से पढ़ाई करो, आपके तो 6.55 CGPA थे, फिर हम आपसे क्यों, मतलब हम आपकी क्यों वीडियो देखें? तो यार थर्ड सेमेस्टर का स्कोर तो तुम जान गए, फोर्थ में 6.5 से फिर से 7.5 हुआ, फिफ्थ सेमेस्टर में 7.5 से 8.3, एंड इन सिक्स सेमेस्टर आई स्कोर्ड 9.10 CGPA। हुई इम्प्रूवमेंट, सो आई थिंक आई कैन गाइड यू द बेस्ट कि कहाँ से तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, कहाँ से हमने पढ़ाई करी और हैशटैग कहाँ से टॉपर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आधे आधे तुम्हारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और आधे सेकेंड सेमेस्टर में। तो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिक्स, कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऐसे करके दिया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि पढ़ाई कहाँ से करें। सो सबसे पहली आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तुम्हारा 11th 12th में बेसिक्स क्लियर है तो तुम गजेंद्र पुरोहित सर का ये चैनल यहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी कम टाइम में चीज़ों को उन्होंने बताया, तो यार बिल्कुल पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें बेसिक से चीज़ें करनी है, कम समझ में आ रहा है, तो तुम यार ये भगवान विश्वकर्मा सर जो हैं इनके लेक्चर्स देख सकते हो। भाई हमने इन्हीं से पढ़ाई करी थी क्योंकि मेरे बेसिक्स थोड़े हिले हुए थे और समझ भी कम आता था क्लास में, तो मैंने इनसे पढ़ाई करी थी। और हाँ जी यार अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट एक चीज़ बताएंगे यार, मैथमेटिक्स जो है ना वो एक दिन पहले पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। सैटरडे संडे एटलीस्ट छुट्टी जब मिल रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथमेटिक्स में वो कॉपी वाले क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, और डिपेंड भी करते हैं तुम्हारे प्रोफेसर कैसे हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की। तो यार हमारे टाइम में तो आइसोमेरिज्म वगैरह था, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में था। डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेबस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेबस आप उस टॉपिक को लिखो, है ना, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर डाल दो, तुमको वो चीज़ मिल जाएगी। एंड केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली अच्छे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में क्लब करके पढ़ाई गई हैं, तो वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो। इन केस तुमको कुछ ऐसा टॉपिक लग रहा है जो तुम पढ़ना चाहते हो, सही से नहीं पढ़ाई गई, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉपिक सर्च करना है और लिख देना बीटेक फर्स्ट ईयर, आ जाएगा। अब आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यार चैनल है इंजीनियर्स की पाठशाला, ठीक है, और यहाँ पे यार रंजन सर पढ़ाएं, बहुत बढ़िया पढ़ाएं भैया, एकदम मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाएं यार, मज़ा आ जाएगा तुमको पढ़ के। बस ना यार एक चीज़ बोलेंगे कि तुम प्लीज़ अपने क्लास टॉपर का क्लास नोट्स ले लेना और उससे टैली करते रहना कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई है, तुम्हें वही चीज़ें पढ़नी है। अब ये नहीं कि ABCD पढ़ाया गया तो तुम पूरा जेड तक पढ़ के जा रहे हो, समझ रहे हो, एफिशिएंट रहो। और एक चीज़ और है कि जो मैथमेटिक्स वाला लेक्चर है या फिर जो ये इलेक्ट्रिकल वाला लेक्चर है, ये सब बड़े लेक्चर हैं, छोटे मोटे लेक्चर तो है नहीं। तुम एक दिन पहले करने जाओगे तो दिक्कत होगा, एटलीस्ट 10-15 दिन पहले से फिर भी पढ़ाई शुरू कर देना यार। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कुछ जगह ये सब्जेक्ट होगा कुछ जगह नहीं होगा। तो देखो यार मेरे सिलेबस में सेमीकंडक्टर वगैरह था, तो आई जस्ट सर्च द टॉपिक और फिर मेरे को मिल गया था कंटेंट। बट अगर आपको एग्जैक्टली कोई चैनल चाहिए तो आप नीजो एकेडमी जो है NESO इंग्लिश में पढ़ाया गया, बेसिक इंग्लिश में, आप वहाँ से जाके इसकी पढ़ाई कर सकते हो।
और एक एड्यू रुद्राम सक्सेस क्लासेस करके एक है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर इसको आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हो। यार इसके लिए मानस पटनायक सर है, पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाया है, और आई थिंक यूट्यूब पे इनसे बेस्ट है ना कोई और नहीं पढ़ाया, बिकॉज काफ़ी सही वे में इन्होंने पढ़ाया है, चीज़ों को विजुअलाइज करा के बताया है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ना वो काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, और जब तुम्हारे टीचर्स अगर क्लास में बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना तो वो चीज़ें उतनी ईजिली तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए इनके लेक्चर्स देखना ज़रूरी भी है एक तरीके से, क्योंकि वो चीज़ें हैं ना वो विजुअलाइज करके तुम्हें यू नो फील कराएंगे, समझाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज या फिर फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए ना तीन बेस्ट वीडियो है एक्चुअली, या चैनल बोलो या वीडियो बोलो, कोड विद हैरी, इन्होंने 10 घंटे का इनका वन शॉट है, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपकी श्रद्धा दीदी हैं, उन्होंने 10 घंटे पढ़ाए, वहाँ से पढ़ सकते हो। कॉलेज वाला के चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये तीन जगह में से कोई भी एक जगह पकड़ो, और आई वुड सजेस्ट कि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन प्लीज़ टीचर मत चेंज करो, उसी लेक्चर को दोबारा देखो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और थोड़ा सीनियर से पता कर लेना, क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, जैसे फिबोनाकी सीरीज़ होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं, तो प्लीज़ सीनियर्स एंड प्रोफेसर से बात करते रहो, है ना, सो दैट तुम्हें आइडिया लगते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी जानो कि प्रोफेसर कैसा है, प्रोफेसर को लेंदी आंसर पसंद है या प्रोफेसर को वर्ड टू वर्ड आंसर पसंद है, प्रोफेसर चेक भी करते हैं या नहीं, कैसे प्रोफेसर हैं, उस बेसिस पे तुम्हारा आंसर कॉपी दिखना चाहिए। अब आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, तो यार ये आप टिकल्स एकेडमी से पढ़ सकते हो, या फिर एलएमटी बेसिकली लास्ट मोमेंट ट्यूशन से भी पढ़ सकते हो, या फिर गेट वाला से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम वो सारी चीज़ें आपको गेट के जितने भी चैनल्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन कराते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं वो दो बोनस टिप्स जो हम आपको बताने वाले थे। तो यार देखो, सिर्फ YouTube से पढ़ के नहीं होगा, है ना, हाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं। भाई एक चीज़ बता दूँ, कॉलेज में ना प्रोफेसर जो होते हैं वो भगवान होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट कभी भी भाई उनसे लड़ाई वड़ाई कुछ मत करना, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। सो जो दो टिप्स हैं वो ये है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यार वो है तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सीनियर से थोड़ा बात करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाओ। दूसरी चीज़, टॉपर्स के नोट ले लो, है ना, नोट्स ले लो, एंड जो जो चीज़ें सी प्रोफेसर कराएं उसको करके जाओ, कुछ करो ना करो लेकिन जो प्रोफेसर क्लास में कराएं वो करना मस्ट है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, टीचर्स के नाम बता दिए, सजेशंस दे दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे कंप्लीट कॉलेज लाइफ में दिस चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। So thank you so much for watching this video.